जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज पैटर्न इस साल में बारिशें ज्यादा होंगी। 2018 में जब मैंने चेक किया तो 2010 के फ्लड्स में जो डैमेज हुए थे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ठीक करना था उसका 40% काम भी नहीं हुआ था। रिजल्टेंटली जब भी कोई नई चीज होगी तो वो उसको एग्जास्परेट करेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द डैमेज एंड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ दैट वी हैव। देखिए पाकिस्तान में फ्लड्स 1947 से आ रहे हैं, ठीक। क्लाइमेट चेंज इज अ रीसेंट फिनोमेना, इट हैज एडेड ऑन टू एंड इट हैज चेंज्ड द मैकेनिक्स ऑफ फ्लडिंग इन पाकिस्तान। हमारा जो मानसून आता था जिसमें बेसिक फ्लडिंग होती थी उसका इम्पैक्ट बहुत डिफर कर गया है इन पाकिस्तान। द ट्रेडिशनल मानसून कैचमेंट एरियाज have moved almost 100 kilometers inwards into the country. Non-traditional areas mein flooding ho rahi hai. Theek? Riverine flooding kam ho gayi hai comparatively. Urban flooding zyada ho gayi hai. Theek? So impact different ho gaya hai. Catchment areas different ho gaye hain. So wo accordingly jo preventive measures liye jane chahiye the, wo probably abhi tak full scale pe implement nahi hue hain. सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सराब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना 1958 वाज द फर्स्ट टाइम दैट अ लेजिस्लेशन केम इन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दिस वाज कॉल्ड द कैलामिटीज एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान कैलामिटीज एक्ट 1958 का है प्रॉब्ली। ठीक, अच्छा, कैलामिटीज एक्ट अपने अंडर एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता था जिसमें फेडरल रिलीफ कमिश्नर थे, प्रोविंशियल रिलीफ कमिश्नर थे और वो इस चीज को लुक आफ्टर किया करते थे। ठीक, सब्सिक्वेंटली 60s में एक फोर्स रेज हुई या उसकी लेजिस्लेशन आई जो सिविल डिफेंस के नाम से जानी जाती है। ठीक, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू सिविल डिफेंस वाज टू हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो विच इंक्लूडेड फ्लडिंग। ठीक, जब 2005 में जलजला आया तो अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनी एरा। ठीक, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से कंसर्निंग थी, उसका अपना एक्ट 2010 में आया। 2007 में ये कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन हुआ गवर्नमेंट लेवल पे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए both at the federal and the provincial level. So NDMA, National Disaster Management Authority, bana, aur uska bhi act 2009 mein aa gaya. Theek, ab ye char different acts hain jo disaster management se deal karte hain ya various segments of disaster management se deal karte hain aur administrative and executive structures create karte hain apne underneath. Theek, inme se koi act pichle act ko dekh ke nahi banaya gaya. So when the acts and the legislative structure at the top does not talk to each other, the executive organizations that are created underneath also don't talk to each other. Theek? So you have multiple organizations created and multiple laws existing for handling the same thing. Theek? So ye sabse bada disconnect hai meri apni assessment mein जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसके ऊपर एक एफर्ट हमने भी किया था जब मैं चेयरमैन एनडीए में था कि चारों एक्ट्स को इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया जाए। वन ऑफ द थिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ टुक मी बाय सरप्राइज इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज दैट we have no categorization of disasters. Yaar, category A disaster wo hai jo ek district ke level pe hua hai aur district configured hai usko handle karne ke liye. Category B disaster wo hai jo provincial level pe hua hai aur province configured hai usko handle karne ke liye ya thodi si national support chahiye
इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट थोड़ी सी प्रोविंशियल सपोर्ट चाहिए। कैटेगरी सी डिजास्टर वो है जो नेशनल लेवल पे हुआ है और पाकिस्तान विद इट्स ओन wherewithal इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। कैटेगरी डी डिजास्टर वो है जो लेट्स से 2022 के फ्लड हैं जिसमें नेशनल कैपेसिटीज आर लिमिटेड एंड वी कैनॉट रिस्पॉन्ड टू दैट काइंड ऑफ अ डिजास्टर वेयर वी नीड इंटरनेशनल सपोर्ट। ठीक है जी। सो आप जब भी किसी चीज के ऊपर काम करते हैं अनटिल अनलेस यू हैव सच पैरामीटर्स लेड डाउन यू टेल मी हाउ डू यू वर्क। People have actually lost their complete livelihood. Their orchards, their gardens, their agriculture fields and crops have been destroyed. 2010 की फ्लडिंग बहुत बड़ी फ्लडिंग थी। उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली कि पाकिस्तान इन द लास्ट 10 इयर्स, ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, has lost around or loses around $2 billion every year because of flooding only. ठीक। तो हम ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि इसका एक बहुत छोटा पोर्शन अगर हम प्रेपरेशन रिस्क मिटिगेशन के ऊपर लगाएं तो शायद हम ये 2 बिलियन की जगह लॉस तो फिर भी होगा लेकिन शायद इतना बड़ा लॉस ना हो। ठीक। हम शायद 1.5 बिलियन सेव करने के काबिल हो जाएं हर साल क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी बड़ी मेजर अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर या फ्लड या अर्थक्वेक आया नहीं तो फोकस गवर्नमेंट का दूसरी साइड्स पे रहा। ठीक। जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट होने चाहिए थे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ताकि हम उसको मैनेज कर सकें वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं हो सके। ठीक। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, इट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूं कि ये एक दफा मैंने रिसर्च की, जिस साल एनडीएमए का बजट 295 मिलियन रुपीस था उस साल पंजाब का सिविल डिफेंस का बजट 850 मिलियन रुपीस था। ठीक। रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, एट प्लेसेस मैन पावर एग्जिस्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, इसको रिकन्फिगर करने की जरूरत है। मतलब हर 10 साल में अगर हम 20 से 25 बिलियन डॉलर या 30 बिलियन डॉलर सिर्फ फ्लडिंग में अपने मुल्क का नुकसान करते हैं तो यार किसी एक साल में को 500 मिलियन डॉलर 1 बिलियन डॉलर लगा के इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लें तो शायद अगले 10 साल के अंदर आप 20 बिलियन डॉलर की जगह आपका नुकसान कोई 4-5 बिलियन डॉलर का होगा। सो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज पैटर्न इस साल में बारिशें ज्यादा होंगी। 2018 में जब मैंने चेक किया तो 2010 के फ्लड्स में जो डैमेज हुए थे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ठीक करना था उसका 40% काम भी नहीं हुआ हुआ था। ठीक। सो रिजल्टेंटली जब भी कोई नई चीज होगी तो वो उसको एग्जास्परेट करेगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ द डैमेज एंड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ दैट वी हैव। ठीक। सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी स्टैंड इन। मतलब आप कराची को ले लें अर्बन फ्लडिंग का। ठीक। जो नेचुरल कॉजवेज थे पानी बाहर निकलने के उन सब पे कब्जा हो गया, कहीं कॉलोनी बन गई, कहीं मार्केट बन गई, कहीं कच्ची आबादी बन गई। ठीक। जो नेचुरल फ्लो एरियाज थे जहां से पानी निकलना था वो ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से फ्लडिंग ज्यादा हो जाती है। सो यस there is a severe administrative angle to what happens these days. NDMA के नीचे एक component आता है, उसको National Emergency Operation Center बोलते हैं। ठीक। अच्छा, हमने एक बड़ी कोशिश की कि इसको हम base करें on a National Disaster Information Management System।
ठीक, और उसको किस तरह बेस करें कि पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, जिनका फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है, जो मॉनिटर करते हैं वेदर को, रेन्स को, अर्थक्वेक्स को, ठीक, फोरकास्ट करते हैं फ्लडिंग का, उनका एक स्टैंड अलोन सिस्टम है अपना डिजिटाइज्ड, ठीक। फिर आप आ जाएं स्पार्को की तरफ, उनके सैटेलाइट्स हैं, वो भी ये तमाम चीजें मॉनिटर करते हैं थ्रू देयर सैटेलाइट्स, वो ग्लेशियर्स को भी मॉनिटर करते हैं, वो क्रॉपिंग पैटर्न्स को, इस किस्म की चीजों को भी मॉनिटर करते हैं, उनका एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, ठीक। फिर आप आ जाएं इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की तरफ, वो बेसिक जितने आपके ये हैं रिवर, इनको मॉनिटर करते हैं, उनका भी एक स्टैंड अलोन सिस्टम। फिर आप वापडा की तरफ आ जाएं, वापडा भी इन तमाम, इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में उनका एक स्टैंड अलोन सिस्टम, मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स लगे हुए, ठीक, वो भी पूरे शहर को मॉनिटर करते हैं, उनका एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। आजकल की टेक्नोलॉजी में क्या ये बहुत आसान नहीं कि हम इन तमाम सिस्टम्स को कंबाइन करें और उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट के मैट्रिसेस लगाएं, ठीक, और उसमें असेसमेंट टूल्स डालें डिजास्टर मैनेजमेंट के, ठीक। फलां जगह पे मरगलास पे इतनी बारिश हुई है, तो वो मॉडल आपको एग्जैक्टली बता देगा कि यार ये बारिश जो है ये इतने टाइम में इतना पानी लीड करेगा फलां जगह के ऊपर, ये लोकेलिटीज हैं जो जिनमें इतना इतना पानी आएगा। इट इज क्रिमिनल दैट वी आर नॉट डूइंग दिस। सो ये फंडामेंटल चीज है जो कि करने वाली है, तो हम बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।